जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में इन दिनों समाज सेवी संस्थाओं व जेल में बंद कैदियों के द्वारा तैयार किए गए मास्कों को लेने के लिए लगातार भीड़ बढ़ रही है। वहीं मास्क विक्रय का केवल एक ही काउंटर होने से सैकड़ों लोग एक साथ काउंटर पर पहुंच जाते हैं, जिससे कुछ लोगों को मास्क व सैनिटाइजर मिल जाता है और कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है, जिससे कुछ लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं मास्क लेने आए एक व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्क को लेने के लिए पहले से अपना नाम लिखवाना पड़ता है, उसके बाद मास्क को दिया जाता है, लेकिन फिर भी सभी लोग विक्रय काउंटर पर एक साथ पहुंच जाते हैं, जिससे जिनका नाम पहले लिस्ट में होता है उन्हें मास्क नहीं मिल पाता, जबकि जिनका नाम लिस्ट में नहीं होता है उन्हें मिल जाता है, जिससे कुछ लोगों में इससे नाराजगी है। उनका कहना है कि और भी काउंटर मास्क विक्रय के लिए बनने चाहिए। कोरोना को लेकर जिस तरह का महामारी का रूप है, तो मास्क के लिए कल भी आए थे और आज भी हम लोग क्यों लगे, मास्क नहीं मिला है, सैनिटाइजर मिला है, पर पूरे में भय का माहौल है, सब अधिवक्ता घबराए हुए हैं। शासन प्रशासन को कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, कम से कम 3-4 काउंटर खोलना चाहिए, मास्क अधिक से अधिक कहाँ पर आएंगे कलेक्ट्रेट में। कल भी यहीं आए थे और कल भी एक घंटे क्यू में लगने के बाद खाली हाथ लौटे थे, आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो इस डर से ऐसा लगता है कि अब कहीं और जाके हाईकोर्ट वगैरह में निवेदन करना पड़ेगा, मास्क के लिए वहाँ जाके आवेदन लगाना पड़ेगा, जिससे हाईकोर्ट में वो बढ़ेगा। यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, लाइन नहीं है, पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो काउंटर पे कर्मचारी मौजूद हैं वो भी चेहरा देख के ही बांट रहे हैं, वहाँ कोई ना क्यू है और ना किसी तरह की कोई पुलिस व्यवस्था। का एक मास्क दे रहे हैं 10 रुपये का एक मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर 30 रुपये का एक दे रहे हैं।